एक अस्पताल, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी। स्किन एंड ब्यूटी केयर सेंटर डॉक्टर मंजूर आलम, चरम रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य संबंधित विशेषज्ञ। हमारे यहाँ लेजर से औरतों का मूंछ दाढ़ी का इलाज एवं चेहरे पर काला दाग, छाही, पिंपल, कील मुहासे संबंधित इलाज होता है। मिलने का पता स्टेशन रोड, सरदार गली, सीवान, बिहार। सीवान में माले नेता पर 10 राउंड फायरिंग, 3 लोग जख्मी, मचा हड़कंप। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दरौंदा थाना क्षेत्र के पकवालिया गांव के रामगिरी टोला में एक दिन पहले गांव के कुछ दबंगों ने दलित लोगों के पुवाल में आग लगा दिया था, जिसकी सूचना पर वाले नेता जयशंकर पंडित घटना की जानकारी लेने आज पहुंचे हुए थे। माले नेता जयशंकर ने बताया कि एक दिन पूर्व के विवाद को सुलझाने में पहुंचा था, तभी अचानक 20 से 25 असामाजिक तत्व ने मुझ पर हमला कर दिया। हम लोग जब घर में भाग कर गए तो ताबड़तोड़ 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें कुल 3 लोगों को गोली लगी है। इसके बाद असामाजिक तत्व भाग गए। घटना के बाद घायलों को आसपास के लोगों की मदद से सीवान सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं घायल की पहचान जयशंकर पंडित, मोनू कुमार, सीता देवी शामिल है। आपको बता दें कि मोनू एवं सीता देवी यूपी के इटावा में रहते हैं। वो पिछले 7 तारीख को इटावा से गांव आए हुए थे। जिले दरौंदा में पुआल रखने को लेकर दो पक्ष में लड़ाई के बाद मामले को सुलझाने जयशंकर पंडित माले नेता जब पहुंचे तो उन पर 20 से 25 असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, जिसमें माले नेता को पैर में एक गोली लगी है। वहीं उनके पुत्र मोनू कुमार को सीने में गोली लगी है और महिला सीता देवी को पैर में एक गोली लगी है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति कायम है और सूचना पर पहुंची पुलिस गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया है। 10 राउंड गोलीबारी मामले में थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि पुआल रखने को लेकर एक दिन पूर्व विवाद हुआ था, आज गोलीबारी हुई है, 3 लोग जख्मी है। मामले की जाँच की जा रही है। एक पकोलिया पंचायत का टोला है, रामगढ़ी टोला, वहाँ 5-6 घर ही दलित लोग है और उन दलितों के परिवार में वहाँ के राजपूत लोग सामंती अपराधी ताकतों ने रात को आग लगा दिया था उनके घर में। इसी को लेकर के उस दलित परिवारों ने उनको थाना में आवेदन दिया और आज सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बुलाया कि आइए, थोड़ा सा मामला इस तरह का है। जब हम 9 बजे वहाँ पहुँचे तो 10-15 की संख्या में अपराधी तत्व आ गए और लाठी डंडा से लेकर मारपीट करने लगे, और खास करके मेन टारगेट मेरा ही था। और जैसे ही हम घर में जाकर के छुपे, उस घर में भी उन्होंने 7-8 फायरिंग किया, जिसमें मेरे एक पैर में और एक लड़के को उनके सीने में और एक औरत को उनके पैर में लगा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरी तौर पर मुझे मेरी हत्या करने की साजिश थी, लेकिन हम इस हत्या से नहीं डरे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है दलितों की लगातार हत्या। उसी समान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन दलित की हत्या कर दिया गया था, हत्या करके रास्ते पर उसके शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अभी प्रशासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसके वजह से उन अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ। पंचायती करने के लिए बुलाया था लोग गोली मारने की नीयत से? हम तो केवल गए थे कि भाई दलितों से मिलेंगे, क्या मामला है जानेंगे, लेकिन उन समानती ताकतों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमको देखते ही वो लोग गाली गलौज करने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे। उसके बाद मेरे एकदम टारगेट करके उन्होंने सीना पर गोली चलाया, तब हम अपने आप से बचे, लेकिन उन्होंने तब फिर हम घर में जाके छुपे और घर के ऊपर में बने हुए थी से ग्रिल से उन्होंने मुझे टारगेट करते हुए 7-8 गोलियां चलाई जो मेरे पैर में लगा। कई आदमी को लगा है गोली? 3 आदमी को गोली लगा। क्या नाम है उनका? नाम अभी हम बता देंगे, मोनू और एक उनकी माँ है, जो उनका मायका है, उनको 2 लोगों को और गोली लगा हुआ। ठीक।